प्रेज द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक और विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। ये विषय है मत्ती की किताब, उसका 15वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हर एक वो पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से नहीं लगाया गया उखाड़ा जाएगा, है ना। अगर हम देखें, एक विश्वासी, एक बिलीवर को बाइबल में एक भूमि की तरह दर्शाया गया है जिस पर दो लोग कुछ बोने की कोशिश करते हैं। एक वो स्वर्गीय पिता जो कि हमारा माली है, योना की किताब में लिखा है ना, मेरा पिता माली है, ही इज गार्डनर। तो वो हमारी भूमि पर भी कुछ बोता है, लेकिन वहीं पर हम जानते हैं कि दुष्ट शैतान भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पौधों को हमारे जीवन में बोने की कोशिश करता है जो हमारे जीवन में कांटों से भरे हुए एहसास को और पीड़ा को लेकर आते हैं। हमने बाइबल में पढ़ा है कि जो अच्छे बीज थे उनमें कुछ जहरीले बिच्छू पौधे भी बो दिए गए, लेकिन आप इन बातों से आज विचलित ना हो। बाइबल कहती कि हर एक वो पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से नहीं लगाया गया वो उखाड़ा जाएगा, उखाड़ा जाएगा। यस, लेकिन ये उखाड़ेगा कौन? क्या स्वयं परमेश्वर? नहीं, ये अथॉरिटी परमेश्वर ने अब आपको दे दी। बाइबल में लिखा है कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास है और अगर तुम इस पेड़ से कहोगे कि उखड़ कर जाके समुद्र में गिर जा, तो ये हो जाएगा। सो नाउ यू शुड नॉट वेट फॉर द लॉर्ड टू अपरूट दिस प्लांट। हमें परमेश्वर की ओर नहीं ताकना इस पौधे को उखाड़ने के लिए। आज हमें अपनी अथॉरिटी और अपने पावर को जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमें मिला है, हमें आज उसे एक्सरसाइज करना है। हमें आज हर उस पौधे को जो हमारे जीवन में पीड़ा लेकर आ रहा है, जो हो सकता है कि आपके जीवन में आज कोई बीमारी हो, कोई कर्ज हो, कोई अशांति हो, कोई क्लेश का कारण हो, आज आप उस पौधे को एक नाम दीजिए, उसे पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए वो कौन सा वो पौधा है जो पिता की ओर से नहीं है, और उसे अप्रूव करना शुरू करिए, उसे कमांड करना शुरू करिए प्रभु यीशु के नाम से, उखाड़ना शुरू करिए उसे प्रभु यीशु के नाम से, और विश्वास मानिए आने वाले दिनों में वो आपको अपने इस जीवन रूपी बगीचे में दिखाई भी नहीं देगा। अपनी सामर्थ को, अपने अधिकार को पहचाने और उसका इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं।